हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ सिनेमन मिल्क। गाइस, सिनेमन में बहुत सी मेडिसिन क्वालिटीज होने की वजह से सिनेमन आयुर्वेदा में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। सिनेमन सिर्फ खाने की टेस्ट को ही नहीं बढ़ाती बल्कि ये हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखती है। अगर हम सिनेमन को मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो जानते हैं सिनेमन मिल्क के बेनिफिट्स और बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स की हेल्थ की, यानी कि हमारी हड्डियों की मजबूती की। तो हमारी बोन्स यानी जिस्म की हड्डियों को कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है जो हमारी हड्डियों को हेल्दी रखते हैं। तो सिनेमन यानी दालचीनी में ये दोनों चीज़ें यानी कैल्शियम और फास्फोरस गुड अमाउंट में मौजूद होता है। इसीलिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दालचीनी का दूध बहुत कारामद यानी बेनिफिशियल होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशंस हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं जिससे हड्डियों में पेन नहीं होता। या अगर आपकी हड्डियों में पहले से दर्द मौजूद है या आप आर्थराइटिस की पेशेंट हैं तो सिनेमन मिल्क आपको इन दर्दों से छुटकारा दिलाएगा। और साथ ही जब ये मिल्क आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा तो आपकी ओरल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। सिनेमन मिल्क गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में सिनेमन मिल्क को ऐड करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी और फिट रखता है। सिनेमन मिल्क के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में फूड के सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके बॉडी को हेल्दी और फिट बनाता है। सिनेमन मिल्क फॉर वेट लॉस। सिनेमन हमारी बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर होने नहीं देती, जिस वजह से हम अपना वेट आसानी से कम कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है जो हमारे हार्ट को भी हेल्दी और फिट बनाता है। सिनेमन मिल्क गुड एंड डायबिटीज यानी शुगर। रिसर्च के मुताबिक सिनेमन में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो आप या आपके घर में कोई भी शुगर का पेशेंट हैं तो उनको डेली सिनेमन मिल्क पीना जरूर चाहिए। सिनेमन मिल्क हेल्पिंग बूस्ट इम्यूनिटी। सिनेमन रिच है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। सिनेमन हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है जिससे हम और हमारे बच्चे काफ़ी बीमारियों से फाइट करते हैं और वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। सिनेमन मिल्क गुड फॉर स्लीप। अगर आप एंजाइटी और इंसोमेनिया के पेशेंट हैं, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हों और आपका दिमाग किसी भी तरह से उलझा हुआ हो या आप किसी परेशानी का शिकार हैं जो आपको सोने नहीं देती और आपको स्लीपलेस बनाती है, तो आज से ही सिनेमन मिल्क यानी दालचीनी का दूध लेना स्टार्ट करते हैं। सिनेमन मिल्क आपको बहुत ही अच्छी और पुरसकून नींद देता है और टेंशन सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए हम सबको सिनेमन मिल्क ज़रूर लेना चाहिए रेगुलर बेस पे सोने से पहले। सिनेमन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती है, इसलिए सिनेमन को लाजमी अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी तरीके से ऐड करना चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें ऐसी खतरनाक जानलेवा बीमारियों से। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ कि किस तरह हमें सिनेमन मिल्क को बनाना है और अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो सिनेमन मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है 2 से 3 स्टिक्स यानी 2 to 3 स्टिक्स ऑफ सिनेमन, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून हनी। हनी अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। तो आप एक पैन में हम दूध को ऐड कर देंगे, मिल्क को ऐड करेंगे जितना आपको चाहिए एक बंदे के लिए या फैमिली पूरी फैमिली के लिए, उसी हिसाब से आप मिल्क को पैन में ऐड करेंगे। उसको हम स्टोव पे रखेंगे और साथ ही उसमें सिनेमन स्टिक डाल देंगे। और अगर आप पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टीस्पून पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सिनेमन की जो क्वांटिटी वो बढ़ा देंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका अरोमा और उसके बेनिफिट सारे दूध में मर्ज हो जाएं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, अपने बेनिफिट से दूध में छोड़ दें, अच्छा सा खौला लेंगे। उसके बाद स्टोव को बंद करके इसको दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध इतना ठंडा हो जाए कि पीने के काबिल हो जाए तो इसे कप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर से इस पे 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। सिनेमन मिल्क इस तरह रेडी हो जाएगा। आप इसको रात में सोते हुए इसे कंज्यूम करेंगे। उम्र के हर हिस्से में आप इसे ले सकते हैं, बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि आप 6 मंथ से भी बेबी को स्टार्ट करा सकते हैं कम क्वांटिटी में। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।